आप देख रहे हैं JSR टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया अनुदिया। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय स्थित निजी कॉलेज में NCC एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें CEO कर्नल S. पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। CEO कर्नल S. पवन कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सीनियर एवं जूनियर अफसरों को संबोधित करते हुए NCC की बारीकियों के बारे में समझाया। नरसिंहपुर के जितने भी स्कूल कॉलेज जिनके पास NCC है वो मेरी बटालियन के अंदर आते हैं। उसी के तहत एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हमने ये कंडक्ट कराई है, जिसमें सभी प्रिंसिपल्स और AMOs को बुलाकर NCC में आने वाले ट्रेनिंग ईयर में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, खास तवज्जो देनी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और NCC का महत्व ना केवल NCC के बच्चों को बल्कि जो नहीं है NCC में उनको भी समझना ज़रूरी है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स कंट्री के पास है अवेलेबल। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छा ग्रुप हमारे पास एक ऐसा है टैलेंटेड बच्चों का जो आपदा में या किसी भी ऐसे ज़रूरत पड़ने पर देश के काम आ सकता है। हमारे MMT कॉलेज में हमारी जो NCC की यूनिट है बनेपुर बटालियन NCC, उसके हमारे CEO साहब आए थे, S. पवन कुमार, उनका नाम है S. पवन कुमार, सेना मेडल MT। और उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है। बड़े खुश हुए वो हमारे स्टैंडर्ड देख के, हमारी परेड को देख के, उनका सम्मान जो किया, बहुत उन्हें मोटिवेशन किया कि यहाँ से बड़े बड़े कैंप जाना चाहिए, कैडेट्स को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो स्टैंडर्ड है यहाँ के कैडेट्स का जो कि नेशनल लेवल पे जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको कम से कम यहाँ से 2 कैडेट्स चाहिए कंपलसरी, हर साल कम से कम उनको 2 कैडेट्स RDC के लिए चाहिए, वो स्टैंडर्ड है यहाँ का। और हमारे जो कॉलेज के चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी कैडेट को बिल्कुल आगे की ओर अग्रसर करते हैं कि किस तरह उनको आगे बढ़ना है, बहुत साथ देते हैं, मोटिवेशन करते हैं, गेट्स को वर्दी वगैरह सब चीज़ के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी में हेल्प करते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए JSR टाइम्स के साथ।